ये है ना सामान उनका पक्का कोठी वाला, उसमें शिफ्ट करके और इसको छोड़ दें कि मुझे नहीं है अब वो नहीं ये सटक का है और सब दी उठा रही जाते जाते हमारी नानी जी का घर है। हम ये हमारी नानी जी का घर है, हम बचपन से ही आया जाया करते थे, इन पर लटकते थे, बहुत पुरानी यादें जुड़ी हैं। यहाँ खिड़की हुआ करती थी, यहाँ हमारी मौसी जी का चूल्हा था। कहाँ? इस तरफ? यहाँ? हाँ, यहाँ ये चूल्हा था, यहाँ यहाँ पर चूल्हा था, चूल्हा था। और नानी जी मौसी जी हम लोग सब यहीं बैठा करते थे, यहाँ खिड़की में से देखा करते थे। यहाँ से क्या बाहर दिखता है? हाँ, यहाँ रोड थी। हाँ। और यहाँ ये इतनी बड़ी खिड़की थी। तो अभी एक बार पूर भर आई थी जब से उनने उसको पैक कर दिया, और अब मौसी जी अकेली रहती थी उस हिसाब से भी उनने पूरा पैक कर दिया। तो था। ये देखो पूर के कारण शायद पूरा घर नष्ट हो गया है, पूर में हुआ है ये सब पूरा। ऊपर से इसमें ऐसे ये देखिए पूरा टूट रहा है यहाँ से। हाँ ये तो खैर फिलहाल अभी साल एक हुआ है, यहाँ उसमें हम बैठ के ऐसे देखते थे बाहर। तो आपको ऐसा लग रहा है कि शायद अपने मामा के यहाँ आप अंतिम बार आए हैं? शायद, हाँ, शायद कि अब शायद दोबारा ना आ पाएंगे। या कहो कि मामा वाला रिश्ता आखिरी अंतिम क्षणों में चल रहा है। हाँ, ये कह सकते हैं। हाँ। तो आपको उन पुरानी स्मृतियों की याद आ रही है, हर चीज की, कैसा महसूस कर रहे हैं? थोड़ा दुख और ये कि, और थोड़ी खुशी भी है कि चलो आखिरी बार सही हम आए, तो मन में ये नहीं रहेगा कि हमने आखिरी बार देख नहीं पाए। तो खुशी भी है और दुख भी है, शब्द नहीं है, हम नहीं निशब्द हैं, निशब्द हैं, नहीं कह पाएंगे आगे, आगे कुछ नहीं कह पाएंगे। ये देखिए सब पुरानी यादें, ये पहले नहीं था यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पहले नहीं था, गैस ले लिया था तब ये स्टैंड बना है। ये अलमारी भी बाद में बनी है? हाँ, ये बाद में बनी है। अच्छा, हमारी शादी के बाद बनी है यहाँ पर। यहाँ पे चौका रहता था, यहाँ इतना ऐसा चौका हुआ करता था, यहाँ मौसी जी के लकड़ी कंडा वगैरह रखे रहते थे, खाने का सामान रहता था, यहाँ उनकी छोटी सी एक अलमारी रहती थी। अब नहीं है ये वो अलमारी? हाँ, यहाँ पे बनी हुई थी भंडरिया जैसी, जो भंडरिया बोलते हैं ना कच्ची, उसमें पल्ले नहीं लगे थे, मतलब उनका इन एक छोटी सी यहाँ थी उसमें थे पल्ले। तो उनके बारे में पल्ला निकाल के और वहाँ लगा, क्षण याद आ रहा है उस अलमारी के बारे में? हाँ, एक छोटी सी मटकी हुआ करती थी, उसमें मौसी जी नमक रखती थी। हाँ, हाँ। और गोल कटोरी जैसी उनकी कपबशी थी नाना जी के टाइम की, गोल डिजाइन के कप थे शायद रखे होंगे, मैं आपको बताऊंगी अभी। हम बहुत लड़ाई करते थे उन छोटे छोटे कपों के लिए। हाँ, अच्छा, चलो उस रूम में चलते हैं और इधर आइए, इधर भी बताते हैं। यहाँ झूला, ये हमारे झूला है, अच्छा, नाना जी का झूला हुआ करता था। ये यहाँ पर कुंदे लगे हैं, आप भी बताइए ना इस तरफ से। कुछ जी जी को याद होगा, मेरे टाइम पे यहाँ पे झूला नहीं था। आप इस झूले के बारे में कुछ बताएंगे? मेरी इतनी ज्यादा यादें नहीं है यहाँ से, क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता था, तो मैं यहाँ ज्यादा नहीं आती थी। नहीं, मैं दिन दिन। अच्छा, आपकी कुछ यादें ज्यादा हैं? हाँ, हमारी ज्यादा है। इस एरिया के बारे में कुछ बताएंगी? इस एरिया में क्या मतलब, ये तो अभी हुआ है अंदर, मतलब जब खराब हो गया ना, उसके बाद में यहाँ पे रहवास था, यहाँ मौसी जी की मचाई थी। हाँ, झूले वाली जिसपे कपड़े रखते हैं, मचाई तो समझते होंगे। हाँ, मचाई सब समझते हैं, जो बिस्तर वगैरह रखने के काम आती। तो ये झूले वाली मतलब यहाँ पे अंधेरा हुआ करता था, हम छोटे छोटे थे तो हम लोग डरते थे ये कोने में आने में, सही बताएं तो, क्योंकि ज्यादा कोई थे नहीं, और यहाँ उस टाइम पे लाइट की भी उतनी व्यवस्था नहीं हुआ करती थी। हाँ, हाँ। तो इस विषय में मतलब यहाँ पे हम लोग ज्यादा नहीं आए गए, और चूंकि ये घर गांव के बिल्कुल बाहर भी बिल्कुल आउट में है। हाँ, हाँ। तो रात के समय। अच्छा, इस तरफ ये चूल्हा दिखाई दे रहा है?
ये वाला चूल्हा है अभी, मतलब फिलहाल की स्थिति में जब कमरा खराब हो गया ना, हाँ हाँ, तो ये चूल्हा, हाँ, और एक चूल्हा उस तरफ दिखाई दे रहा, वो तो बना के रखी थी एक्स्ट्रा में कि जैसे, हाँ हाँ हाँ, चलो अब इस तरफ देखते हैं अपन, वो वाले रूम के बारे में कुछ आपकी स्मृतियाँ, कुछ यादें जुड़ी हूँ। यहाँ मौसी जी की मशीन हुआ करती थी, हाँ, यहाँ फिलहाल की स्थिति में वहाँ रखी, अच्छा वो सामने रखी हुई है इस समय, हाँ, यहाँ मशीन हुआ करती थी, और वो अभी भाभी जी जो आई थी, और इधर मामी जी थी हमारी जो की शांत हो गई है, तो हम लोग मतलब यहीं पे बैठ के हम बातें किया करते थे। ये हमारे भैया है, अरे बाबू जी, इस घर से जुड़ी हुई आपकी कोई पुरानी यादें? जी बहुत अच्छी बात है सरकार, चलो याद आ जाएगी जब बताना। मतलब ये जो जो जगह है ये साहुओं की है, साहुओं की थी, उन्हीं ने उनको दी थी, बराबर पैसे उनने दिए उसी टाइम, लेकिन ये है आपके, मतलब भले ही पैसे दिए लेकिन ये आपके पूर्वजों के पास थी ये पहले, हाँ, साहुओं की थी, हाँ, उससे उन जो नाना जी ने, हाँ, उनको हमने उनको बेची, मान लो पूर्वजों ने, हाँ 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 हाँ, तो मतलब इस जगह से आपकी यादें भी जुड़ी हैं। आत्मीयता रहे थे और भाव थे उनके, नन्ना जी के, नानी जी के हमारे ऊपर, हमको तो बच्चा जैसा लिखा उनने, हाँ। तो इस घर से आपकी स्मृतियां भी बहुत, बहुत मधुर स्मृतियां भी हैं, हाँ जी, हाँ हाँ। चलो पप्पी अब इस रूम के बारे में बता दो जरा, ये वाला रूम, हाँ, ये वाले रूम में हम बहुत कम आते थे। अच्छा, क्योंकि थोड़ा भूतिया टाइप का लगता था क्या? नहीं, मतलब इसमें ज्यादा आना जाना नहीं था, और मौसी जी का जो स्टोर रूम कहते हैं आज, हाँ, थोड़ा एकांत टाइप का था, उस टाइप का था, तो इसमें हम लोगों का ज्यादा आना जाना नहीं था, वो तो मौसी जी मम्मी जी साथ में आते थे, उसी टाइम पे हम लोग देख के जाते थे, नहीं तो हम ज्यादा नहीं आए। स्टोर रूम है, स्टोर रूम को थोड़ा सा देख लेते हैं किस तरीके का स्टोर रूम है। ये देखिए स्टोरी रूम है ये पूरा, यहाँ पर देखिए पुराने जमाने की, ये यहाँ पर एक लालटेन, लालटेन है, इस लालटेन से जुड़ी कुछ स्मृति है क्या आपकी? इधर आइए, चोरी हुई थी जय, मैं सब बता रहा हूँ, ज्यादा लंबी अपनी बिंडा, वो क्या बोलते हैं अपने यहाँ बिंडा, हाँ हाँ, छोटा, हाँ हाँ, हाँ, कोठी बिंडा, कोठी उस टाइप की ये बनी है। अच्छा, ये मट्टी की है ये? हाँ, ये मट्टी की बनी हुई कोठी बोलते हैं इसको, इसमें अनाज वगैरह रखने के काम आती है। ऊपर एक कल्लाव सा भी दिख रहा है, हाँ, और ये शायद नाना जी के हाथ की कुछ कुर्सियां भी दिख रही हैं यहाँ पर ऊपर, ये एक पुराने जमाने, हाँ, की एक कुर्सी दिख रही है जो शायद थोड़ा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही होगी, वो उनकी आराम कुर्सी होगी, हाँ, आराम कुर्सी है ऊपर है वो, नहीं नहीं, एक आराम कुर्सी और है, ये भी आराम ही कुर्सी है, ये देखो ये आराम कुर्सी, ये दूसरे टाइप की है, ये देखिए आप इसमें देख पा रहे होंगे, ये देखिए इसमें पूरा पट्टी लगी, ये भी आराम कुर्सी है, कुर्सी है, वो पूरी ये आराम पानी है, मिट्टू का पिंजरा, और ये मिट्टू का पिंजरा, मिट्टू आपने देखा था? हाँ, बहुत बातें करता था, बहुत, उषा जी जी रोटी दे दो, उषा जी जी, तो मौसी जी का नाम क्या? उषा किरण था, हाँ, उषा किरण, बाहर जो एक फूल बना है कमल का फूल, तो एक तरफ यू लिखा है और एक तरफ के लिखा है, तो पहले हम समझे कि उषा कुमारी, लेकिन हमें थोड़ा सा, अच्छा उषा किरण पटेल, अच्छा 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 अच्छा, ये सब पूरा स्टोर रूम है, कबाड़ इसमें पूरा गंजा हुआ है, सब इसमें पुरानी चीजें रखी हुई हैं, सब पुराने पुराने समय की, नाना जी के हाथ की, और सब नष्ट भ्रष्ट हो रहा है, क्योंकि लहकरी तक रखी है, लहकरी तक रखी है, मनुष्यों की माया है। आप कुछ बताएंगे घर के बारे में कि जब तक व्यक्ति रहते हैं, लोग रहते हैं, तब तक घर में बात कुछ और रहती है? वो बात और ही कुछ रहती है, वो मतलब अपने को उसकी सफाई और सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छा लगता है, और आदमी नहीं रहते तो फिर एकदम बुरा लगता है। इसको दिखाना चाह रहे हैं, हाँ, 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 अभी ज्यादा कुछ तो नहीं बता सकते आपको, और ये पूरा सामान पैक रखा है, ये हमारे नाना जी के हाथ का है, इसके बारे में कुछ बताएंगी? कुछ काय का है ये? पीतल का है क्या? हाँ, पेपर पीतल है, ये देखिए, ये आप उनका नाम लिखा है, उन्हीं के हाथ का बना, श्री लाल गुर्जर, श्री लाल गुर्जर, तो ये उन्होंने अपने हाथ से बनाया, हाँ, ये उनके हाथ का है, उनके हाथ की मतलब कढ़ाई थी और पावसी थी, सरोते थे, तो मतलब काफी काफी कुछ सामान तो उनका बाढ़ में बह गया है, बह गया है, और कुछ चीजें हैं जो पैक हैं, कुछ टूट भी गई, कुछ गुम गई, हाँ हाँ, कुछ मतलब इधर उधर हो गई, और कुछ चीजें अपने पास पहले से हैं, छोटी मोटी चीजें, हाँ, 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 हाँ,
तो सबसे बड़ी और अभी दिखाने लायक मतलब ये हाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज यही हाँ, बची है उनकी यादों में हाँ, और चूंकि घर बहुत सुना सुना, आज घर भी थोड़ा सा प्रसन्न चित्त महसूस कर रहा लगता है हाँ, क्योंकि लोग नहीं रहते तो हाँ मौसी जी होती तो आपको और विस्तार से बताते, घर हिड़े आता सा है हाँ, घर भी हिड़िया जाता है, हिड़िया जाता मतलब पुराने जी लोगों को कहावत है हाँ, कि अगर घर कोई नहीं है तो अपने आप घर हिड़िया जाता है, गिरने लगता है। बचपन की याद, ओहो हो, ये बचपन की याद इनकी, ये बचपन की याद है। तो इस पे इसको आपने खेला भी है हाँ, ये पुरानी चक्की लगी थी जब का ये पट्टा है मतलब, अच्छा ये पुरानी चक्की का थी जब का ये पट्टा है, ये जब का पट्टा है चक्की का। तो ये घर से जुड़ी हुई कुछ स्मृति यादें। दिलीप पटेल जी, आप अपने मामा जी के यहाँ आए हैं और हो सकता है इस हाथी पे हम दोनों भाई बहन की बहुत लड़ाई हुई। अच्छा 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 अच्छा, इसके साथ खेलते थे हम खूब। नानी जी का एक डायलॉग याद आ रहा है मेरे को, तो मैं बताना चाहूंगी, अब पुराने घर में है इसलिए, हमारे बाहर ढालिया में एक झूला हुआ करता था, तो उसमें हम झूलते थे, मैं भैया को झूलने नहीं देती थी, तो नानी जी मेरे से बोला करती थी, तेरी सास मरे सकारे धंधेरी बेटी, भाई झूलन नहीं दे। ये वीडियो आपकी सास भी देखेंगी। आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? ये मेरी जो पुरानी याद है वो मैं शेयर कर रही हूं, मैं किसी को मतलब टारगेट पर नहीं कर रही हाँ, मतलब वो नानी जी के घर आए हैं तो जो आप पूछ रहे हैं कि आपकी पुरानी जो यादें हैं, तो वो मैं आपसे शेयर कर, ऐसा बचपन में कहा करती थी क्या, फिर से एक बार फिर से बोल के बताएं। नहीं, नहीं रहे। बेटी मोड़ा सुन भाई झूलन नहीं दे, तेरी सास मरे सकार है। अच्छा, ऐसा अच्छा, मतलब वो अब भाव बहुत टाइम की बात है, तो वो मेरे को अच्छे से याद नहीं है कि किस टाइप से बोला करती थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा याद है कि वो ऐसे ही बोलती थी मेरे से। तो हमारा भाई शंकर जी की मरी आग भाव, चलो 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 चलो, छोटा सा था भाव, उनकी याद में नन्ना जी ने बनाया शंकर जी की मढ़िया, दीदी यही पूजन पाठ करती थी, वो और बना लो भाई। नहीं, नहीं, इसका एक एक घर का एक एक कोना कोना वीडियो के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये वीडियो हमारी स्मृति है, जन्म जन्मांतर तक ये वीडियो रहेगा रहेगा। इसको लगा दूं अब? कुछ आपके मन में कुछ विचार उठ रहे हैं क्या? हमारे मन में ये विचार उठ रहे हैं हाँ, हम यहाँ बैठे थे एक बार झूल हाँ, रहे थे हाथ पे रखी थी थाली हाँ, खाने की हाँ, रोटी सब्जी हाँ, और जब जीजी ने पीछे से धक्का दी है हाँ, तो हम पीछे के पीछे ऐसे और हमारी थाली हमारे मुंह पे। उस स्मृति के बारे में आप भी कुछ बताना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं थी जो ये उपस्थित। अच्छा, आपकी एक आदत है हाँ? आपके सामने जब कैमरा आता है जब आप नहीं बोलती नहीं बोल पाती, लेकिन जैसे ही कैमरा दूसरे के सामने आ जाता है तब आप आपके मन में बहुत विचार उठते हैं। मैं शायद सामने नहीं बोल पाती। अच्छा अच्छा अच्छा। और इसके बाद में हम जाते थे, वो भैया आए थे उनके खेत पे, एक बार हम बहुत सारे इतने सारे पत्थर बीन के लाए थे, कहीं में इमेजिन करे कि ये हमारी गाड़ी है, कहीं में इमेजिन करे ये हमारा फोन है, और सारे पत्थर एक तगाड़ी में रख के वो जो भैया की वाइफ है उन भाभी के सिर पे रखवा के हमने वहां नदी से घर तक लेके आए थे, और वहीं नलकूप पर नहाए थे, उनके गन्ने लगते थे, गन्ने खाते थे, उनके यहाँ लगती थी मूंगफली, तो उनकी मूर्ति थी बोरम भरी, तो उनको हम रात रात को भूंज के खाते थे। यहाँ के दो तीन जन ऐसे थे अच्छे कहानीकार हाँ, तो वो आके हमको 12-12 बजे तक के कहानियां सुनाते थे, कहीं कहीं की बहुत डरावनी कहानियां होती थी। तो फिर हम पापा जी को मम्मी जी को पकड़ के और फिर बड़े ओढ़ ढाक के सुनते जरूर थे, लेकिन डरते भी थे। मैं वही डर के कारण नहीं आती थी। और अच्छा, वही डर के कारण ये नहीं आती थी। थोड़ा सा आप इस हिस्से से बाहर हो जाएं, हम अभी यहाँ से निकल के अब हम चल रहे हैं हमारे। अब पहले इतना बड़ा हुआ करता था कि हमारे हाथ नहीं पहुंचते थे। क्या चीज? यहाँ का एरिया। अच्छा हाँ। ये ऐसा हुआ करता था कि यहाँ हम इतने आते थे ऐसे हाँ। और ये धसक धसक के यहाँ आ चुका है हमारे कंधे पे, इतना नीचा हो चुका है, इतना नीचा हो, पहले इतना ऊंचा था ये हाँ। अच्छा 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 अच्छा। और ये छान के नीचे एक खिड़की थी बड़ी सी, इसके नीचे हाँ, बांसों की बनी थी। अब नहीं है वो खिड़की? अब नहीं है, अब उसको
मिट्टी से छाप के यहाँ भी कुछ था। ये आम का झाड़ है क्या? ये आम का झाड़ है, यहाँ हमारा बगीचा था। हाँ। यहाँ वो खड़े रहते ना, हाँ। तुअर दाल, तुअर की पेड़ के उनसे हम छोटी छोटी झपड़ियाँ बनाते थे, इतनी इतनी बड़ी ऐसी। अच्छा, यहाँ ये जगह देख रहे हैं, हाँ। बनाते थे हम, यहाँ पूजा पाठ होती थी कोसी जी की। ये क्या है? शंकर भगवान है क्या? शंकर भगवान की नाना जी ने अपने हाथों से बनाई थी। अच्छा, ये इतनी पुरानी स्थान है ये? अच्छा, नाना जी ने अपने हाथों से बनाई है ये। और एक ये आम का झाड़ भी लगा है, शायद कलमी है। उधर तो वो था रहे, वो समझी। अच्छा, इसमें देखते हैं, ये बाद में निर्माण हुआ है थोड़ा सा, है ना? प्रधानमंत्री वाला जो आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत, उसके अंतर्गत मौसी जी उनके लिए बना। अच्छा अच्छा अच्छा, ये प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये बना है। और ये पीछे इधर शायद एक वाई है अपनी, ये एक वाई है उसके एंट्रेंस के लिए, ये खिड़की दरवाजा छोटा सा। यहाँ से ये किचन, किचन एरिया है। यहां से तो यहां ये किचन एरिया है, ये पूरा किचन के लिए है, लेकिन पूरी तरह तैयार भी नहीं हो पाया है। और जब तक मैं तो हो जाती है जाने की तैयारी। कुछ ऐसे ही भाव और विभोर करने वाली कुछ यादें। और पीछे ये देखिए, यहाँ से गेट, ये चौखट बन रही है। और यहाँ पूरा देखिए, पूरा सब चारों तरफ जंगली जंगल। ये सब पीछे यहाँ छीताफल हुआ करते थे और अभी भी हैं। ये देखिए पीछे पूरा, इसको उस तरफ से भी दिखाएंगे। वहाँ खिड़की खुल जाएगी। हाँ हाँ हाँ, चलो अपन अभी कुवाई में चलते हैं। आइए अब कुवाई में लेकर चलते हैं। हाँ, कुवाई में लेके चलते हैं। पहले यहाँ घुसे का रूम हुआ करता था। हाँ हाँ, जब उनके जानवर थे, तो इस एरिया में घुसा भरा था। हाँ, तो वो घुसे वाली जगह टूट गई बारिश के कारण, खिसल गई। हाँ, तो उसकी जगह फिर ये वाला ये बना है यहाँ पर। ये एरिया था जो एक बार मैं इस एरिया को पूरा दिखा देता हूँ। ये देखिए पुराने समय की ये कुवाई है। ये भी काफी ऊंचा हुआ करता था। अच्छा, उस समय बहुत ऊंचा हुआ करता था। यहाँ पे पिताजी उनके भी हाथ ऐसे करके पहुंचते थे। अच्छा, इतनी हाइट, जबकि पिताजी की हाइट भी ज्यादा है। हाँ, मेरे से ज्यादा है। हाँ हाँ हाँ, और मतलब ये घर नीचे बैठते जा रहा है, बैठते जा रहा है धीरे धीरे करके। अच्छा, हाँ। देखो इनको सब विचार बाद में ही आते। पहले का समय ये था, यहाँ से ऐसा घूम के यहाँ तक, फिर ये वाला ऐसा यहाँ तक खनोटा हुआ करता था भुसा, इस तरफ में पूरे एरिया में दोरों के लिए, यहाँ से लेके और ऐसा वहां तक घूमता था। यहाँ गैया बनती थी। वो ठोंक बता दे, जहाँ गांव भर के लोग पूजा करने आते थे। ये यहाँ जब भैंस हुआ करती थी तब सार थी। हाँ, यहाँ हम नहीं आते थे। अच्छा अच्छा अच्छा, कचरा ज्यादा रहता था, कीचड़ ज्यादा हो जाती थी। एक बात, चूल्हे बहुत सारे दिख रहे हैं क्या? मौसी जी चूल्हा बनाने में बहुत एक्सपर्ट है क्या? ये देखिए कितने समय समय पे चूल्हे बनाते रहते थे। हाँ, देखिए एक चूल्हा ये दिख रहा है पहले। हाँ, एक चूल्हा हुआ करता था हमारा यहाँ। हाँ, ये पुरानी चक्की बताओ ना इसको। ये पुरानी चक्की है। हाँ, एक बार बहुत दिन हो गए, तब हमारे नानी जी थी हमारी। हाँ, तो उन्होंने हमको सत्तू बना के खिलाया था इसमें। नानी जी ने हाँ, चना और गेहूं भून के इसमें पीस के फिर हमको सत्तू बना के खिलाया था। तब हम उल्टी सीधी चला देते थे इसको, तो नानी जी डांटती होंगी। नानी जी डांटती थी, बोले तुम्हें नहीं आया तुम मत चलाओ। हाँ, तो बैठी रहती थी यहाँ ऐसे ऐसे करके। ये है, इसमें से भर लेते थे इस चक्की का। तब कोठी में भी देख लेना कुछ हो तो इसको, नहीं तो अंदर कर देना। कुछ है क्या? खाली पड़ी गेहूं है? खाली, खाली 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 रखी है। अच्छा अच्छा, तो ये चक्की की बड़ी यादें जुड़ी हैं आपके। हाँ, साथ में इसके बाद में ये वाला एरिया था। हाँ, यहाँ पे कभी आते थे जब सूख जाता था थोड़ा। हाँ हाँ, यहाँ कंडे हुआ करते थे, यहाँ कंडे रखाते थे ये एरिया में। अब ये पूरा कबाड़ा इस दिख रहा है सब, मतलब ये कंडों का एरिया है।
यहाँ कंडे रखाते थे यहाँ तक इधर से और इस तरफ रहती थी लकड़ियाँ अब जो कि अभी भी है अभी भी है अभी भी पर्याप्त मात्रा में लकड़ियाँ हैं और इसके बाद आइए यहाँ फिर डालते थे हम झूला यहाँ पर भी झूला डलता था यहाँ हम रस्सी वाला झूला अच्छा यहाँ रस्सी वाला झूला उसी पोर्शन से जाते हैं ना अपन ये बेंच भी बहुत पुराने समय की दिख रही ये बेंच हमारी रखी रहती थी उधर जो खिड़की बताई आपको हाँ, उसके सामने रखी रहती थी अच्छा ये बेंच ये बेंच ये एरिया यहाँ हम जैसे इस तरफ से इसको दिखाएं तो इस तरीके से दिखता है ये तो हम क्या करते थे जब हमसे इसके ऊपर चढ़ते नहीं बनता था ये पार के ऊपर तो हम एक स्टूल लगाते थे स्टूल के ऊपर चढ़ के और फिर इस पे बैठते थे और छुप छुपैल खेलते थे अच्छा हाइड एंड सीक इसके उस साइड चले गए वो जो खनोटा बना है भूसे वाला उसके बीच में गईया आ रही है गईयों के बच्चे है उनके उसमें बीच में छुप गए बहुत छुप छुपैल खेलते थे आपकी भी काफी स्मृतियां हैं मतलब इस स्थान से हैं काफी स्मृतियां जुड़ी हुई हैं यहाँ झूला डाले थे यहाँ झूला डाल के झूलते थे हम फिर एक बार हम गए थे जहाँ से अपन आए हैं अभी चलते वक्त अपन वीडियो बनाएंगे जो स्कूल मौसी जी ने दान में दिया है उस जगह पर भी हम जाएंगे यहाँ से निकलते टाइम हमने गाड़ी वहीं खड़ी करी है अच्छा अच्छा वो जो जितना बड़ा एरिया है ना सामने का पोर्शन चलो थोड़ा सा और आगे घुमाइए इधर पीछे भी एक यहाँ मौसी जी नहीं होने के कारण एक चीज की कमी है यहाँ हुआ करते थे मूढ़ा एक मिनट अभी मैं उस मूढ़े वाले स्थान पे ले जाऊं उसके पहले आप इस फूल के बारे में कुछ बताएंगे ये देखिए ये कमल का फूल है और यहाँ पर लिखा है यू यानी ऊषा और यहाँ पर लिखा है के माने किरण किरण ऊषा किरण और ये जो फूल बना है हाँ। ये उनकी पार्टी की सदस्यता का प्रतीक है बीजेपी की अच्छा इसलिए ये इसमें लिखा है ऐसा ऐसा है और ये यहाँ मूढ़ा हुआ करते थे इसके ऊपर बैठने की बड़ा मजा आता था तो ये अधूरे से पड़े हैं हाँ बन नहीं पाए हैं ये तबीयत ठीक नहीं थी अच्छा अच्छा इसके कारण वो अधूरे छूट गए फूल भी बहुत मात्रा में दिखाई दे रहे हैं फूल है मतलब उस तरफ भी लगे हैं इस तरफ भी लगे हैं अच्छा एक मिनट मुझे वहां कुछ दिख रहा है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताएंगे ये जो एक टंकी सी दिख रही है ये भी शायद नाना जी के हाथ की है मुझे लगता है फैक्ट्री में हाँ उन्हीं के समय की है। समय की है क्योंकि बड़ा जब चक्की चलती थी इंजन से चलती थी अच्छा तो इंजन से चक्की चलती थी तो इंजन में चाहिए पानी जो सर्कुलेट हो ठंडा करे हाँ। तो ये टंकी ऊपर लगती थी हाँ। इंजन रहता था नीचे तो इसका जो पानी है हाँ। इंजन में जाता था इंजन से वापस आता था तो वो इंजन को ठंडा रखने के लिए इसका यूज करते टंकी में पानी भर के बहुत मजबूत है मतलब ये देखिए अभी इसमें अब थोड़ी थोड़ी जंग आना चालू हुई थोड़ी थोड़ी जंग दिखना चालू हुई यानी इतने समय व्यतीत हो मैं खुद नहीं था जब से है ये जब से है मेरे से भी कई सालों पहले चलो उधर उधर रख ले रहे हैं क्या आप ये एरिया इतना चौड़ा था हम यहाँ से आते थे बहुत खेला करते थे यहाँ गाड़ियां खड़ी हो जाती है जब ये नाली नहीं बनी थी अब नाली के कारण यहाँ अंदर आना बंद हो गया अच्छा ये गेट है इसका एंट्रेंस गेट है यहाँ से प्रवेश द्वार है और यहाँ सामने देखेंगे तो ये देखिए इस तरीके से नाली बन चुकी है ये है इसका प्रवेश द्वार अब आप हमें और ये इस तरफ स्कूल दिखाई दे रहा है वही स्कूल शायद बाद में बताएंगे वो अब आइए नहीं इधर पीछे रख लो तो फिर अपन इसी तरफ चलेंगे आखिरी में इसको बंद कर दो अभी हाँ इसको बंद कर दीजिए और नहीं तो बोलते चलें आप ऐसा करें जूते आप फंसा लो चप्पल फंसा ले ऐसे चलते हैं तो स्कूल का भी भ्रमण कराएंगे आपको स्कूल के साथ साथ जो जगह खाली बची है इसमें कृषि योग्य भूमि है वो दिखाएंगे उसके बाद पीछे वाला एरिया बताएंगे जी 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 जहाँ पर हमने इतने बड़े बड़े नींबू इतने बड़े बड़े सीताफल और बिही वो बिही छोटी वाली खूब खाई है अच्छा अच्छा आइए सारे दर्शी वो जगह दान में दे स्कूल के भाको वो भी दी होगी हाँ वो भी बनवा दे रहे हैं अच्छा लिखा है कहाँ है ना उधर
आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा लिखा है उसमें, अंदर लिखा है वो, यहाँ बाहर है। हाँ 2009-2010 में ये भूमि दान दी गई थी। जी जी यहाँ से जगह उन्हीं की थी जो दान में दी है। जल्दी जल्दी काटे यार, फिर अब हमने कहा है 5 मिनट लग रहा था, चले मत जाइयो। नहीं अब ये झोड़ा था, उनकी मामा जी वगैरह की है? कहाँ पे जई ऐसी जगह? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ से ये मंदिर की शुरुआत होती, तो यहाँ तक नहीं था, वहां से लगी, वहां से लगी। ये स्कूल की जगह यहाँ से चालू होती पुराने वाले की। अच्छा पुराना स्कूल यहाँ था इस जगह पे, उसका ये था। अच्छा यहाँ पर बिल्डिंग थी पुराने स्कूल की। अच्छा ये पुराने स्कूल की जगह। मौसी जी की जगह कहाँ से शुरू होती थी? जैसे ये झंडे से नीचे उतरते। अच्छा अच्छा यहाँ से ये मौसी जी के द्वारा दान दी गई ये जगह, ये यहाँ से मतलब इस कोने से शुरू होती है जगह, इस कोने से जगह शुरू होती है। हाँ हाँ ये पूरा स्कूल जिस भूमि पर बना है वो मौसी जी के द्वारा दान दी गई थी। ये देखिए ये पूरा, और 2009-2010 एक परिसर एक साला। हाँ कुछ यार, हर 15 अगस्त और 26 जनवरी पे झंडारोहण के समय उपस्थिति अनिवार्य थी मौसी जी की। अच्छा अच्छा उस टाइम नानी जी भी थी। नानी जी भी आती थी। ये माध्यमिक शाला का पोर्शन है। यहाँ से वापस हो जाए? हाँ यहाँ से अंदर। हाँ ये मतलब ये पोर्शन आपको जो दिख रहा है ये सारा मौसी जी की जगह थी, उनके द्वारा दान दी गई है। और ये यहाँ से इन्होंने थोड़ी सी ये जगह देने के बाद ये जगह यहाँ से छूट गई है, और फिर हम इसके पिछले हिस्से में आते हैं। ये देखिए ये देखिए ये पूरा पिछला हिस्सा इसका आपको दिखाई दे रहा है। हाँ कहाँ पे हुआ था दाह संस्कार? मतलब मौसी जी का दाह संस्कार इसी जगह में हुआ है? नानी जी का। हाँ हाँ इस जगह पर दाह संस्कार हुआ था। वहाँ से ऐसे इधर लाके करे थे। आइए। अच्छा ये फिर अपन पिछले हिस्से में आ गए हैं। यहाँ पे अपन पिछले हिस्से में आ गए हैं। यहाँ से यहाँ पर एक बताते हैं बहुत दिन पहले जब हम नहीं थे उस टाइम की बात है, यहाँ एक झाड़ हुआ करता था बहुत बड़ा, वहाँ पे सब लोग पूजा पाठ करने आते थे शंकर जी की। यहाँ पर हाँ इस एरिया में कहीं था। हाँ हाँ जो मैंने नहीं देखा। हाँ हाँ तो उस झाड़ को नाना जी ने काट दिए थे। हाँ तो उस टाइम क्या हुआ, नानी जी को एक सर्प ने डस लिया था। डस लिया तो फिर कुछ लोगों ने बताया कि बोले वो झाड़ काट दिया आपने इसके कारण हुआ। तो उस टाइम नानी जी ठीक हो गई, लेकिन फिर नाना जी ने अपने हाथों से बोले कि आप यहाँ से नहीं वहाँ चलो। वहाँ शंकर जी की मढ़िया बनाई थी उस समय, वो मढ़िया का ये औचित्य था बनाने का। अच्छा अच्छा अच्छा, तो इस वजह से वहाँ मढ़िया बनाई उन्होंने। अच्छा यहाँ से उन्हें वहाँ शिफ्ट कर दिया। हाँ वहाँ स्थानांतरित कर दिए गए। ये स्कूल का पिछला हिस्सा दिखाई दे रहा है, और ये पीछे जो हिस्सा यहाँ दिखाई दे रहा है वो जो इस वो एरिया वहाँ से कवर नहीं हो पाया था, ये कृषि योग्य भूमि हो गए। जहाँ पर नलकूप लगा है, बोरवेल है, हाँ उसको भी देख लेंगे हम। चलो इसको यहीं से दिखा देते ना, कि यहाँ से अपन इसके अंदर तो जाएंगे नहीं कि जाएंगे? यहीं से ठीक है, यहीं से ठीक है, कोई दिक्कत होगी? ये पूरा पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ से देखिए। यहाँ एक कुआं हुआ करता था। अच्छा यहाँ कुआं वो अभी भी है वो कुआं? ये कुआं जो मतलब, लेकिन हम उसमें अंदर नहीं जा रहे हैं, लेकिन गड्ढा दिख रहा है ना। हाँ हाँ ये कुआं था। हाँ हाँ लेकिन क्या हुआ, पानी की कमी आने से सूखा पड़ने की वजह से कुआं बंद हो गया। अच्छा 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 कुआं बंद हो गया, तो उसमें हमने कचरा डाल के और कचरा डाल डाल के बंद कर दिया उसको।
आपको कैसा लग रहा है कि अब शायद ये जगह से आपका संबंध तो वैसे हमेशा रहेगा, लेकिन काफी कम हो गया, अब यहाँ से आओ मैं बता, काफी कम हो गया है और शायद अब ये आपकी, ये यहाँ से जो दिख रहा है ना अंदर, यहाँ थे नींबू, नींबू ऐसे जैसे अपन बगीचों में लगाते ना दूरी के हिसाब से, कतार बाई कतार, दूरी बाई दूरी, और वो नींबू थे कुछ कलम किए हुए, मौसी जी मतलब कलम भी कर लेती थी, क्राफ्टिंग जिसे कहते हैं, क्राफ्टिंग करके वो नींबू तैयार किए थे कई सारे, कुछ नॉर्मल थे नेचुरल थे, बड़े तो नींबू दिखाई नहीं दे रहे, अब तो खत्म हो चुके हैं वो, कुछ आक्रांताओं की वजह से, कुछ अतिक्रमणकारियों की वजह से उनको नष्ट कर दिया गया। अच्छा, अकेले व्यक्ति के लिए उतना आसान नहीं होता सब रख रखाव करना, तो सीताफल थे सीताफल काट पीट दिए, नींबू थे वही आक्रांताओं ने जी, चलो उसी वजह से जो आप देख रहे हैं ना उसे बंद करके रखा गया वो एरिया को। आइए हम आपको नलकूप बताते हैं, फिर यहाँ से अपन दूसरे गेट से वापस चलेंगे, यहाँ की है लगती थी, अभी अभी इसको बखरे करे नहीं है, क्या है उधर से वो जो नाली बनी है ना, दो काफी सालों तक यहाँ पानी भराता था उसमें, तो इस वजह से यहाँ कुछ बोना संभव नहीं था, और फिर मौसी जी चली गई यहाँ से, या उनसे हो नहीं पाता था, जो लोग करते थे वो सिकमी के पैसे नहीं दे रहा है कोई, कैसे ही छोड़ दे रहा, तो इस वजह से देना बंद कर दिए, तो अब जैसा का तैसा वो खाली ग्राउंड पड़ा। यहाँ यहाँ हैंडपम्प था पहले, हैंडपम्प, फिर ये पानी की कमी गर्मियों में जो मेन कारण है यहाँ, मतलब गर्मियों में आने में बड़ी मुश्किल है, पानी की कमी होती है बहुत ज्यादा, तो यहाँ हैंडपम्प था, हैंडपम्प निकाल के मोटर डाली, मोटर 60 फीट पे थी, तो वो उसमें भी पानी आना बंद हो गया था गर्मियों में। यहाँ से वापस हो जाएंगे अपन, कि इसी गेट से बाहर चलते हैं, यहाँ से चलते हैं, हाँ, क्योंकि यहाँ पर फिर फटकी लगाना पड़ेगी, और ये घर आपको इस तरफ से दिखाई दे ही रहा है, ये देखिए, और इसी रास्ते से हम बाहर हो जाते हैं। ये मीठी नीम दिखाई दे रही है, ये मीठी नीम है, ये मीठी नहीं, कढ़ी पत्ता, हाँ, सीताफल यहाँ बहुत बहुतायत में है, सीताफल, जामुन, जामुन, ठीक है चलिए। अब आम, आइए, कचरा, ये कौन सी झाड़ी है ये जो दिख रही है, कचरी है कैसे? पूरा पानी यहाँ बाहर आता है ना नाली के माध्यम से। ये यहाँ एक वो थी, यहाँ वैसी टंकी थी, चुड़ बनी थी, वो गिर गई, नहीं गिरी नहीं, वो चुड़ बनी थी पहले इधर, फिर उसके बाद में ये जो बिल्डिंग बनी है ना, इस बिल्डिंग की जगह एक बिल्डिंग पहले यहाँ बनी थी। अच्छा, हाँ हाँ, वो ऐसी बनी कि वो गिर गई। अच्छा अच्छा अच्छा, उसका छत ही गिर गया। तो वापस चले अपन, इस तरफ किस तरफ जा रहे हैं अपन, क्या चाह रहे हैं? झोड़े तरफ निकल, चलो झोड़ो, चलो झोड़ो। मौसी जी के विषय में कुछ बताएंगे, उषा जी जी के बारे में? हम कुछ नहीं बता सकते। अच्छा अच्छा अच्छा, चल कहाँ तक जा रहा? अच्छा, वो तो खिसल गया है पूरा, है ना, ये खिसल गया, अच्छा जी पत्थर ईंट लगी थी इसके, जो हाँ हाँ पत्थर पटा था, तीन गांव के लोग पानी भरते, तीन गांव के लोग अपने पानी नहीं सही इधर, कौन कौन से तीन गांव के? हाँ, महाराजगंज, सिंगोड़ा, और बहुत मीठा पानी था, बहुत मीठा पानी था इसका, जो आरे रखते ना, हाँ, वो भी सही से आते थे, यहाँ भी सरते थे। अच्छा अच्छा, हाँ हमने भी देख लिया ना कई बार, लेकिन अब तो ये कुआ बिल्कुल खत्म हो चुका है, बिल्कुल खत्म है, कुछ नहीं, पानी भी नहीं है उसमें, पानी कहाँ से होगा, देख लो कचरा डाला, हाँ हाँ हाँ, कचरा डाला रहा, वो कचरा डालना चालू कर दो तो सब बंद हो जाएगा। वाह यार, ये मतलब तुमने बड़ी अच्छी चीज बताई इस गांव की। जमीन में ना, हाँ हाँ, नीम के नीचे प्यार का ढेर लगा था एक बार। अच्छा अच्छा अच्छा, वो नीम की डगा लोग चढ़ के फूट फूट के खेलते।
बच्चियाँ चाहिए मेरे को, वो इधर देख रही ना। हाँ हाँ हाँ, तो पूछ लो उनसे, वो वाली बच्चियाँ मेरे को चाहिए। ये जो रोड बनी है ना, ये खम्भे है, खम्भों के उस तरफ से रोड की जगह थी। अच्छा, ये सब जब नपती हुई थी, ये मौसी जी के सब उसमें उनके उसमें आती है। यहाँ से जो पिल्लर दिख रहा है, ये पिल्लर तक के मौसी जी की जगह है। अच्छा, वो उनके घर का पिल्लर है। जब नपती हुई थी तो सरपंच और सचिवों ने कहा था, जी जी इसके पीछे मत करना, अब रोड बन गई। तभी तो आपको दिखेगा यहाँ से रोड ऐसी आई है और फिर इधर मुड़ गई। अच्छा, वो सीधी थी जबकि। नापे हुए के हिसाब से वो घर घर के आगे से खुटी गड़ी थी। अच्छा, वो घर भी इसी मौसी जी के जमीन के अंतर्गत आता है। लेकिन वो क्या हुआ, जिनसे अपन ने जगह ली थी है ना, उनके ही समय पे काफी अतिक्रमण हो चुका था। अच्छा, ये रोड भी उनके ही समय में जा चुकी थी क्या? हाँ। अच्छा, पहले ही अतिक्रमण हो गया ये। अच्छा, मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मैंने ये आपको हमेशा से ऐसे ही देखा है, चार पांच उम्र से। और ये बसी हमारी 50 साल पुराने हैं लगभग। तो इनके साथ क्या स्मृति जुड़ी है आपकी? ये हमारी लड़ाई होती थी। क्यों? क्योंकि इस टाइप के आज के समय में कब्बसी शायद ही मिल रहा है। थोड़ा स्पष्ट रूप से दिखाएं ना वो कब को, कैसे दिखता है? उसमें भी कुछ सामान रखा है, ये ऐसे डिजाइन वाला है ये। तो ये कप रेडीमेड है कि कुछ बनाए गए हैं क्या? कि रेडीमेड थे उस समय? रेडीमेड है। अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ। लेकिन आपकी बचपन की यादें इनसे जुड़ी, तो ये दोनों बहनें लड़ा करती थी क्या? नहीं, भाई बहन, भाई बहन। अच्छा, भैया और मैं। भैया और आप। अच्छा अच्छा अच्छा। नहीं मिलती ये डिजाइन आजकल देखने को? नहीं मिलती। बताए ना किस तरीके का डिजाइन है ये? नहीं, ऐसा भी डिजाइन है। और ये साइड से कैसे दिखती है? ये बारीक काम है इसका। और ये देखिए, ये डिजाइन आजकल मिलती नहीं है। ये ऐसी बसी भी आज के समय में मजबूती नहीं मिलेगी आपको। मजबूती नहीं मिलेगी ये। हाँ, मजबूती के अलावा। अच्छा, ये भाई साहब हैं आपके जो इस कॉपी? दोनों लड़ा करते थे इन पैसे। ओहो हो हो, ये क्या है? ये मौसी। अच्छा हाँ, ये रूम देख चुके थे हमने। हाँ हाँ हाँ। और ये जो फोटो है, हाँ हाँ, ये हम छोटे छोटे थे तब से हैं, ये अभी भी यहीं पे हैं। और ये जो यहाँ भंडरिया है, ये हुआ करती थी हमारी मौसी जी की दुकान। हाँ। अच्छा, हाँ हाँ। इसमें मतलब वो छोटी छोटी संतरे की गोलियां आती थी, आपने भी खाई होंगी, रंग बिरंगी छोटी छोटी वो गोलियां रखा करती थी। सोन पापड़ी जो आधे से ज्यादा हम खा लेते थे, नमकीन मतलब बच्चों के लिए जो भी आइटम वो टाइम पे मिलता था वो सारा हुआ करता था मौसी जी के पास। अच्छा, ये मौसी जी की दुकान है। हाँ, ये दिखा रहे, छोटी सी दुकान मौसी जी की। हाँ, और उसकी और जितनी छोटी छोटी, हाँ, यहाँ पे नाना जी की आराम कुर्सी टंगी रहती थी, जो कि मतलब अब हमने ले गए घर पे। अभी एक आराम कुर्सी और है एंटीक वाली, शायद आपने देखी नहीं है, उसमें ऐसा बैठने का भी स्थान है। आपके पास है ना, उस डिजाइन की थी वो, हमेशा यहाँ पे टंगी रहती थी। अच्छा अच्छा अच्छा। और मौसी जी बोलती थी हाँ कि इतना बड़ा हो जाए कि इनमें टकरान लगे, तो अब हम टकरान लगे इसमें। मौसी जी क्या बोलती थी? इतना बड़ा हो जा। हाँ। कि इनसे टकराने लगे, इतना बड़ा हो जाए। तो ये घर कुछ क्या नीचा होते जा रहा है क्या दिनों दिन? वो नीचा हो रहा है और हम ऊंचे हो रहे हैं। अच्छा, ये है। ये हुआ है। चलो, तो ये घर के साथ ये सारी स्मृतियां जुड़ी हुई है। यहाँ पे नानी जी का पलंग रहा करता था, यहाँ से मतलब नानी जी देखती रहती थी, ये छोटी छोटी ये उजारी पूरे घर पे निगाह रखती थी यहाँ से। और वो जो आपने बाहर ब्रेंच देखी होगी, वो ब्रेंच यहाँ पे रखी रहती थी, जैसे दुकान पे आते थे तो उनके लिए वो ब्रेंच यहाँ हुआ करती थी। और मौसी जी ने मतलब पहले सिलाई का काम भी किया है, तो सिलाई के लिए जैसे कोई आते थे तो उन लोगों के लिए वहाँ ब्रेंच लगाई। अच्छा अच्छा अच्छा। और तुम्हारे नाना जी कैसे थे? हमारे नाना जी की मतलब हमने उनको देखा नहीं है, हम हुए ही नहीं थे उसी टाइम पे, मतलब नाना जी शांत हो गए थे। तो ऐसा सुना है कि नाना जी मतलब पहले बिल्कुल भी भगवान को नहीं मानते थे, वो एक भी नारियल नहीं फोड़ा करते थे। लेकिन जब से मतलब नानी जी को वो
पान लगा बोलते ना अपने यहाँ, वो चीज हुई थी। उसके बाद में फिर यहाँ मढ़िया बनी और तभी से मतलब नाना जी नारियल तो फोड़े लेकिन कभी खुद के हाथ से नहीं फोड़े, दूसरों के द्वारा फोड़वाए हैं और तभी से यहाँ पे मढ़िया बनी है। तो वो भैया आते थे, वो भैया फोड़ के जाते थे नारियल। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी आपने जिनको देखा वो तो उसके लिए निकाली थी। हो सकता है उनकी यहाँ ठंडी के दिन हम पलंग डाल के, और ये घर तो काफी नीचा हो गया, इसके नीचे हम लोग। और मेरे भगवान रे, ये नाश्ता कर लेते हैं और फिर आपको बाकी का वीडियो दिखाएंगे, क्योंकि ये पुरानी स्मृति है, पुरानी यादें हैं और पुरानी स्मृति कुछ खट्टी भी होती है, कुछ मीठी भी होती है, इस चटनी की और इस चटनी की तरह कुछ तीखी और भी होती है, मामा पक्ष के साथ एक जो लगाव है। और हो सकता है कि ये हमारी जो यहाँ पर आने का जो क्रम है, यात्रा है, वो अंतिम यात्रा हो सकती है। तो साथियों जुड़े रहिए, मैं जरा समोसा खा लूं फिर आपको बाकी की बात बताऊं, कहानी और सुनाता हूं। हाँ। सर मैं मत मार लेना, चुलैया के बारे में आप पहले बता दीजिए कुछ, चुलैया के बारे में। अब वो पूरी डिटेल भैया देंगे ना। हाँ। ये जो निशान दिख रहा है यहाँ एक चुलैया थी। हाँ। यहाँ खोद के बनी थी। हाँ। हाँ। अच्छा एक बताओ, उसको चूल्हा की जगह चुलैया क्यों कह रहे हैं? छोटी सी थी। अच्छा चूल्हे की पत्नी को चुल्हैया बोलते हैं क्या? हाँ। अच्छा 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 अच्छा, ये है ना पार। हाँ। ये पार नहीं थी। हाँ। ये पार बस इतनी थी। हाँ। तो हम इसके ऊपर बैठ के हाँ। आगे तापते थे, जैसे इस पे बैठ जाते थे, नीचे थी ये। अच्छा हाँ। छोटी थी तो ठंडी में आते थे, बढ़िया सुबह उठे मंजन किए, मंजन करके हम ऐसे आगे तापते थे। एक दिन मैं बैठा ऐसा, जीजी आई यहाँ, वो जीजी आई और पीछे से मेरे को दे दी धक्का। तो यहाँ पे थी अंगरा, यहाँ अंगरा थे आगे तापने को, गंजी उठ गई थी चाय की, मेरे दो ही हाथ उसमें जाके जल गए। तब फिर जब जीजी की परेड लगी है, हमारी नानी जी ने, और एक कहानी और हुई थी, हमारी आदत थी की झरिया थी। नहीं तो वो भैया को धक्का क्या आपने मारा था? दो केस हुए थे। यहाँ थी चुलैया। हाँ यहाँ थी ना, ये देखो ये यहाँ, यहाँ मतलब उसका ऐसा मुंह था। हाँ हाँ हाँ। और यहाँ से ये ऐसी गोल बनी थी। हुँ। ये अभी मतलब कितना 3 साल हुए होंगे। नहीं तो वो चुलैया मतलब चूल्हे की पत्नी छोटी होती है। हाँ अब आप जो भी बोलना चाहें। तो यहाँ ये पार इतनी ऊंची थी क्या? नहीं इतनी थी। अच्छा इतनी ऊंची थी यहाँ पे मतलब कंडा। तो कैसे क्या भैया बैठे थे ऊपर? हाँ। छोटा भाई आपका? हाँ। तो क्या किया आपने? आके वो धक्का मार दिया कि ये मेरी जगह है। अच्छा फिर क्या हुआ? उनका बैलेंस बिगड़ गया और दोनों हाथ इसमें चले गए। तब एक केस हुआ था और उसके बाद में फिर एक केस हुआ था, एक मतलब अंगार निकालने के लिए एक झरिया थी लोहे की, तो उसकी डंडी साइड से मैंने अंगार करके और उसको रख दी थी, तो वो पकड़ी थी। तो मैंने 2 बार हाथ जलाए थे इसके। हाँ। मेरे जीजी ने 2 बार हाथ जलाए हैं और एक जीजी ने मेरे 2 बार पाँव खत्म कर दिए। एक बार पाँव, एक बार, 2 बार। हाँ। तो अभी भी लड़ोगे क्या करोगे तुम लोग? एक बार और 2 बार पे से लड़ाई होगी क्या? नहीं मैं ध्यान भूल गई थी, फिर बाद में याद आया कि हाँ सही में 2 बार हुआ था। और वो केस भी बहुत खतरनाक हुआ था, उसमें 2 नुकसान हुए थे। एक जीजी ने कटोरा फेंक के मारा था पीतल का, तो वो कटोरा फूट गया और झाड़ू फेंक के मारी थी तो भैया के पाँव में चुभी थी। अच्छा, मेरे पाँव घायल कर रहे हैं 2 बार। आप भी कुछ बताना चाह रही हैं? दोनों बार हम थे शिकार बनाने वाले। होली की आगी में ले जाके खड़ा कर दिए भैया को। हाँ। जब वो होली के अंदर रोपे मतलब पूरा करा धरा आपका था जी, बिल्कुल। अच्छा अच्छा, यहाँ सार के बारे में बताए, अब बताओ। और यहाँ पे था वो झूला। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? आपको बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा अच्छा, बहनों का शिकार भाई। बहनों का शिकार भाई, 4 बहनों का भाई किसी को ना बनाए। सभी को बनाए, सभी को। क्यों? तभी तो यादें बनती है। अरे चूल्हे में धक्का मार रहा है कोई, कोई कुछ कर रहा है, ये हो क्या रहा है? और एक जीजी ने मेरे को साइकिल पे से गिरा दिया। कैसे हुआ? वो सारी घटनाएं धोखे से हुई है। वो आज तो अपन उनको याद करके हंस रहे हैं। हाँ। बट जानबूझ के कुछ नहीं हुआ, धोखे से हुआ। लेकिन जब जानबूझ के आप धक्का मार रहे हैं, सामने चूल्हा लग रहा है, तो आपको कैसे जान? उस टाइम पे हम भी छोटे थे, काफी छोटे थे।
अब वो तो खेल खेल में हुआ है, इतना थोड़ी पता था कि इतना जल जाएगा। पीछे चूल्हा था, वो चूल्हा नहीं क्यों कुआं, जी 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 वो तो चटनी तो मस्त है यार। हां पपीता एक अभी हमको मिल गया, बहुत छोटे छोटे लगे हैं तो बड़े बड़े तो आधा पक्का गई नहीं, ये वाले में था जी का जीन थोड़े से हमने खा लिए दो ही जनों ने। अच्छी लगती पपीता से भी आप जरा पपीता खाते नहीं तो एक। आप अपनी ससुराल आए कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। कुछ यादें आपकी पुरानी जुड़ी हुई? यादें बस यही इधर उधर देखना घूमना फिरना। तो आपको यहाँ आना ज्यादा पसंद नहीं था? लेकिन नहीं आते तो रहते थे बराबर, लेकिन टाइम टाइम से, लेकिन यहाँ आना थोड़ा तकलीफदायक था? नहीं नहीं तकलीफदायक नहीं था, आना जाना तो पड़ता ही था। हाँ हाँ। अब जैसे इनकी इच्छा हो रही है चले नाना जी के यहाँ। तो आपको क्या गाड़ी लगा दी जाती थी? नहीं पैदल आते थे हम तो। नहीं कई बार बैलगाड़ी लगा दी जाती थी, वो इक्का दुक्का बार है। अच्छा इक्का दुक्का बार, नहीं तो पैदल जाते थे। पैदल ही आते थे और पैदल ही चले जाते थे हम, जाते कभी कभी जाते थे बैलगाड़ी, हम लोग जाते थे तो बैलगाड़ी से जाते थे, पीछे पांव लटका के उस पे से भी लड़ाई करते थे उस पे भी। तो उधर ही रहो ना फिर लड़ाई करने के लिए। कैसे लड़ाई करते थे? हम यहाँ से जाते थे भरत की गाड़ी में या सवारी गाड़ी में, तो हमारी आदत थी हमको पीछे पैर लटका के बैठने में मजा आता था, नीचे कुछ टकरा रहा है मिट्टी टकरा रही उससे खेलना। तो वो ऐसी कोई आपकी स्मृति यहाँ से जुड़ी हुई हो? अब स्मृति तो वही नाना नानी से जुड़ी थी और क्या। हाँ। जैसे कुछ कोई याद आ रहा हो, कोई घटना याद आ रही हो? नहीं घटना घटना तो कोई नहीं घटी है ऐसी। नहीं नहीं अच्छी घटना मधुर स्मृति कुछ है इस तरीके की? ऐसी तो कई चीजें थी मगर वो याद नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ। चलो ठीक है। आपको ये माध्यमिक शाला सिंगोड़ा दिखाई दे रही है, इसकी जो भूमि है ये हमारी मौसी जी ने दान में दी थी। ये देखिए बहुत ही भव्य और सुंदर बिल्डिंग ये दान की भूमि से तैयार हुई है। ये पूरा प्रांगण जो आपको दिखाई दे रहा पूरा रोड से लगा हुआ ये मौसी जी द्वारा दान दी गई भूमि पर बना है, और इसका बहुत बड़ा एक वीडियो भी आने वाला है, उसको आप देखिए, और मौसी जी की मधुर स्मृतियों का वीडियो है।